हम कुछ पढ़ेंगे ऐसा जो शायद अभी तक आपने ना पढ़ा हो। वो इसलिए ना पढ़ा हो क्योंकि स्कूल्स में स्कूल वाले भी बाउंड है वही पढ़ाने के जो सिलेबस आपका होता है। लेकिन आज हम वो डिस्कस करेंगे अगले 45 मिनट में कि जो स्कूल में आप पढ़ते हैं उसको अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी लर्निंग वो सबकी होती है, हर वक्त हो रही होती है, लेकिन सीखना कैसे है आज हम स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे। और इस सेशन के एंड पे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप जो पढ़ाई पहले 2 घंटे में पूरी करते थे वो 45 मिनट्स तक रिड्यूस हो जाएगी। तो बाकी 1.25 घंटा आप इंस्टाग्राम की रील्स भी देख सकते हैं और टिकटॉक भी चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो आप लगा रहे हैं किसमें, पढ़ाई में। थक जाते होंगे कभी कभार कि पढ़ी जा रहे हैं याद कुछ नहीं हो रहा, तो उस मसले से आज आपको आज़ाद करने आया हूँ। अच्छा, मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। 2019 में मैंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था चैम्पियन तालिबे इल्म। तकरीबन 1.5 साल की रिसर्च थी वो। अच्छा, उस किताब की ना ख़ास बात ये थी कि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी बहुत सारे इश्यूज थे रिलेटेड टू मेमोरी, कि कई ऐसे सबक थे जो याद नहीं होते थे। मैट्रिक में मैं बहुत अच्छा था, A+ ग्रेड था, लेकिन कॉलेज जाके पता नहीं क्या हुआ कि शायद किताबें मुश्किल हो गई कि कुछ याद ही नहीं रहता था। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया कि ये याद करने का सिस्टम चलता कैसे है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो अल्लाह के फजल से मुझे पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में उर्दू में कोई एक काम की किताब नहीं मिली। गौरों की मिली, गौरों ने लिखी हुई थी 8-10 किताबें, अच्छी किताबें, लेकिन उर्दू में कोई किताब नहीं थी। अच्छा, बड़ी जेनेरिक सी बातें थी कि पढ़ने से बच्चे कामयाब होते हैं, वो जो आपने सुना भी होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो, तो वही बातें उन्होंने किताब में लिख दी। तो मैंने कहा ये सब कुछ तो पता है, जो नहीं पता वो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि करना है। अब मैं आपको मशवरा दूँ कि जाके स्विमिंग करें, लेकिन मैं आपको ये ना बताऊँ कि कैसे करनी है तो क्या होगा, डूब जाएंगे। तो मुझे उस सवाल की तलाश थी जो मुझे उस डायरेक्शन में लेके जा सके कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो फिर मैंने सबसे पहले तो शाह साहब से इजाज़त ली, उनसे एक आइडिया डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि गो अहेड, इस पे काम करें। तो कोई 18 माह लगे हमें उस किताब को बनाने में, और 2019 में वो बुक आई, अभी तक तकरीबन 5,000 कॉपीज़ उसकी बिक चुकी हैं। उसके बाद जब वो किताब आई तो उसके बाद मुझे स्पेसिफ़िकली ये बात फील हुई कि मेमोरी भी काम करना चाहिए। उस किताब में मेमोरी का एक पोर्शन था, बल्कि बड़ा मेजर पोर्शन था, क्योंकि आप लोगों का जो सुपर वेपन है ना वो फ़िलहाल मेमोरी है, आपको उसके अलावा किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। दिमाग के बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग डिसीजन मेकिंग भी करता है, फैसले भी करता है कई सारे। ठीक है, टेस्ट को भी याद रखता है, अच्छी बिरयानी कहाँ से मिलती है ये भी उसे पता होता है, अच्छी कढ़ाई कहाँ से मिलती है ये भी उसे पता होता है। वकास का वैसे पुलाव है, वो बिरयानी नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला ये आता है कि आपको जो फ़िलहाल चीज़ चाहिए वो ये है कि आपकी स्टोरेज पावर जो है ना दिमाग की, वो अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने फिर स्पेसिफ़िकली मेमोरी पे काम करना शुरू किया, और अभी तकरीबन वो किताब अपने फ़ाइनल जो उसकी है हालत वो है, और इंशाल्लाह अप्रैल 2024 तक वो किताब भी मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, आज इस पूरी किताब को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें और नई किताब में कॉमन है, पर वो आपको पता होनी चाहिए। ये एक बंदा है, इसके हाथ में आप ताश देख रहे होंगे, ताश के कुछ कार्ड्स हैं। ठीक है, ये बच्चा जब स्कूल में था ना, ये बाबा जब स्कूल में था, तो हुआ कुछ ऐसे कि इन्हें स्कूल में बहुत मार पड़ती थी। तब शायद अमेरिकी बच्चे भी अपना उनको भी मार पड़ा करती थी, क्योंकि हम तो अभी यही सुनते हैं कि गोरे मारते नहीं हैं, तब पड़ती थी। तो ये अपने स्कूल से बहुत तंग थे, स्कूल इन्होंने एक रेलू कट्टे की तरह पास किया, कॉलेज पास किया। अच्छा, फिर इन्होंने मेमोरी पढ़ी, मेमोरी याद को यादाश्त को पढ़ा। अच्छा, एक दिन इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया कि मैं मेमोरी का चैम्पियन हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा मजबूत यादाश्त मेरी है। तो उन्होंने पिछला रिकॉर्ड देखा और उस हिसाब से उन्होंने ये ताश के तकरीबन 52 कार्ड हैं, तो उन्होंने 2,860 कार्ड इनके सामने रखे, ऐसे पूरी लाइन लगाई, और उसके बाद इन्हें कहा कि आप एक दफ़ा ये सारे कार्ड देख लें। कितने कार्ड थे?
और इन्हें एक दफ़ा कार्ड दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि हम अब ये सारे कार्ड उठा के किसी डब्बे में डाल रहे हैं, अगर आप वाकई मेमोरी के चैम्पियन हैं तो ये सारे कार्ड उठाएं और इसी तरतीब में वापस लगा दें जिस तरतीब में ये अभी पड़े हुए थे, 2860 कार्ड। इस बंदे ने वो कार्ड निकाले और एग्जैक्टली उसी तरतीब से वापस लगा दिए। सिर्फ 3 कार्ड आगे पीछे थे और जब उन्हें बताया गया कि आपके 3 कार्ड ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो उन्होंने वो 3 कार्ड भी वहीं पे रख दिए जहाँ पे वो 3 कार्ड होने चाहिए थे। अब फॉर अ मोमेंट आप इमेजिन करें कि आपकी मेमोरी इतनी ख़राब है कि आपको स्कूल में कॉलेज में चित्र पढ़ रहे हैं और कुछ साल बाद इतनी तेज़ हो गई है कि 2800 कार्ड आप बगैर किसी गलती के एग्जैक्टली उसी पोजीशन में रख रहे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ एक दफ़ा दिखाए गए थे। इन्होंने मेमोरी पे 20 किताबें लिखी और इस वक्त भी ये मेमोरी के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, इतनी मजबूत याददाश्त है इनकी। लेकिन अगले 45 मिनट में मैं आपको डोमिनिक ओब्रेन नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता, इसके लिए सालों की मेहनत चाहिए, लेकिन जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। इतनी मजबूत याददाश्त आपकी ज़रूर हो सकती है कि आपके अगले 2-4-8 साल जब तक आपकी PhD ग्रेजुएशन मास्टर जितना जिसका हौसला है वो वहाँ तक ना पहुँच जाए, तो तब तक की बात हम करते हैं। सबसे पहली बात, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू क्लास लेक्चर्स? वेरी नाइस। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कभी जो टॉपिक समझ ना आ रहा हो वो YouTube पे जाके सर्च करते हैं उसके बाद उसे पढ़ते हैं? ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने हैं जिनको क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है? ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने हैं जिनका दिल करता है कि वो जो बात बताई जा रही है क्या ये पॉसिबल है कि हम करके सीख लें? यानी अगर उन्हें ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बिठा दिया जाए तो वो कहेंगे नहीं मुझे ड्राइवर सीट पर बिठाओ, मैं फिर सीखूंगा। है ऐसा? है तो यही बात इस 100 क्लास के सर्वे में ये रिसर्च बताती है कि ऑडिटरी विजुअल और किनेस्थेटिक 30% ये होते हैं, 65% वो होते हैं और 5% वो होते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि होते क्या हैं। ऑडिटरी लर्नर वो होते हैं जिन्हें क्लास में बैठ के सीखने का बहुत मज़ा आता है, ठीक है, इनकी इमेजिनेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये होते हैं 30% लोग। हर 100 क्लास में एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन एक ऑन एवरेज हर 100 में से 30 बच्चे क्या होते हैं? ऑडिटरी। आगे आते हैं विजुअल बच्चे। अच्छा, आप में से जो जो लोग पीछे बैठे हैं ना वो ज़्यादातर विजुअल होंगे, जिनको वीडियोस देखने का ज़्यादा शौक है एज़ कम्पेयर टू लेक्चर्स, ठीक है। जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं वो इस वक्त पीछे बैठे होंगे। विजुअल लर्नर क्या होते हैं कि इनका दिल करता है कि ये जहाँ पे बैठे हैं ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँ, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि ये पीछे बैठे, ठीक है, ताकि इनका जो ये आई व्यू है ना वो ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सके, ठीक है। अच्छा, ये होते हैं 65%। ये ज़्यादा क्यों होते हैं भला? क्योंकि आपकी विजुअल होने की प्रैक्टिस ज़्यादा है, आप हर वक्त फ़ोन में घुसे रहते हैं, उसमें रील्स इंस्टाग्राम वीडियोस हर चीज़ देखते रहते हैं, तो आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाता है ज़्यादा सीखने के लिए किस तरीके से विजुअली वीडियोस, एनिमेशन, तस्वीरें, ग्राफिक्स, ये सब कुछ वो कैप्चर करता है। थर्ड है आपके किनेस्थेटिक्स। वो लोग आप में से वो लोग जो इस वक्त टेक लगा के बैठे हुए हैं वो किनेस्थेटिक हैं सारे, ठीक है। अच्छा, किनेस्थेटिक क्या होता है? किनेस्थेटिक बंदा वो होता है जो लैब वर्क को पसंद करता है। आप इसे कहें HCl+ H2SO4, उसे समझ नहीं आएगी। आप इसे लैब में ले जाएं और दोनों के एसिड्स को मिला के जब धमाका होगा फिर इसे समझ आएगी कि HCl+ H2SO4 क्या होता है। अच्छा, किनेस्थेटिक लोग क्या करते हैं? ये कुर्सी पर टेक लगा के बैठते हैं, ये आपसे जब जफी लगाएंगे आपको गले मिलेंगे, सही घुट के गले मिलेंगे, आपको फील कराएंगे कि हाँ मैं भी हूँ। अच्छा, ये नेचुरली इनके अंदर होता है, ये कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे किनेस्थेटिक बंदा होता जो इस वक्त आपको पढ़ा रहा होता तो उसके दोनों हाथ यहाँ पे होते ऐसे, और वो पूरा ना इस डाइस को वो पूरा ऐसे जकड़ के बैठा होता कि कहीं ये गिर ना जाए, ठीक है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें फील करने की आदत होती है। किनेस्थेटिक का मतलब होता है फीलर, वो हर चीज़ को फील करते हैं कि अगर एक्चुअली ये हो रही है तो ये कैसी फील होगी, वो ऐसे याद रहता है उनको। समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? आगे भी नहीं आऊँगे।
अच्छा पहली टेक्निक, ये वैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, अगर किसी ने नोट्स लेने हैं तो वो ले सकता है। पहला, इसके बारे में किसी ने सुना कभी? अच्छा ये बताएं आप याद कैसे करते हैं? किताब खोली, 8-10 दफ़ा पढ़ा, रट्टे वाले होंगे ना इधर? अच्छा रट्टे वाले में ख़ास बात भी होती है, पता आपको? ये किसी को बताते नहीं हैं टेस्ट देते हुए ना, ये नकल नहीं लगवाते, तो टीचर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो उनके दोस्त हैं उनके लिए बुरी बात है। ये जो ऐसा है, इसका मतलब है सर्वे। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। मैं आपके सामने एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और आपने उस पैराग्राफ की डिटेल्स को बस नॉर्मली याद रखना, ठीक है? कान मेरी तरफ, मतलब मेरी तरफ नहीं, फोकस मेरी तरफ। सो पैराग्राफ ये है कि साल 2005 में पाकिस्तान में एक जलजला आया जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान आज़ाद कश्मीर में हुआ। इस जलजले में अमेरिका, बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तान की मदद की। साल 2006 में काफ़ी सारे घरों को बना दिया गया। इससे पहले ऐसा जलजला 1938 में आया था जिसमें 40,000 लोग शहीद हुए थे। 2005 के जलजले में 80,000 लोग शहीद हुए। कोई मुझे बता सकता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ था? अच्छा, जो दूसरा जलजला आया था वो कब आया था और पहला जलजला कब आया था? एग्जैक्टली ऐसे ही। अब देखिएगा होता क्या है। मैंने आपसे सर्वे किए, उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछे। अब भी 70% लोगों के दिमाग में जवाब नहीं थे, ठीक है? अब इसकी तरतीब बहुत आसान है। सबसे पहले आपने कुछ भी पढ़ना है उसको एक दफ़ा जेनेरिकली पढ़ लेना सारा, एक पैराग्राफ, एक चैप्टर, और उसके बाद आपने उसमें से क्वेश्चंस बना लेने, पॉसिबल क्वेश्चंस। जैसे इलामा इकबाल का आप कैसे है, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा? कब पैदा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन, हाँ, सियालकोट के कौन से कॉलेज से पढ़े थे वो? एमए कॉलेज था या मरे कॉलेज था? हाँ, ये मैं सवाल दोबारा पूछूंगा कि याद रखना आपने। अच्छा, बार अटला कहाँ से किया था? बार अटला कहाँ से किया था? इकबाल ने किया था या जिना ने किया था? तो फिर आपने ये क्यों कहा इकबाल ने किया था? इकबाल जर्मनी गए थे? नो यस। यही होगा, ऐसा ही होता है, ऐसे हमारी नॉर्मल मेमोरी काम करती है, हम उसी को बढ़ा रहे हैं आज। अच्छा, थर्ड, क्वेश्चंस निकालने के बाद आपने उसे एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना है, ठीक है? जैसे इकबाल आपने पहले पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चंस निकाले, उसके बाद पढ़ने से क्या होगा कि अब आपका दिमाग उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा होगा। दिमाग को सवाल चाहिए होता है किसी भी बात को इम्पॉर्टेंट मानने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में पहले होंगे ना कि HCl और H2SO4 से मिलकर क्या बनता है, धमाका बनता है, तो वो ढूंढ रहा होगा कि पूरे जहाँ भी इक्वेशंस बन रही हैं ये वाले रिएक्शन की तरह, समझ आ रही है? उसके बाद बावाज़े बुलंद वो बात जो आपको याद नहीं हो रही उसे पढ़ लेना। उसे होगा क्या, उसे होगा ये कि आपका एक सेंस जो है ना, जो आपके देखने वाला सेंस है, वो सिर्फ आपकी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप उसे लाउडली बोलेंगे तो आपके कान भी इन्वॉल्व होंगे। तो जितने ज़्यादा सेंसेस से को इन्वॉल्व करके आप कोई भी चीज़ याद करते हैं वो ज़्यादा देर टिकती है, ठीक है? बिरयानी की रेसिपी पढ़ लें याद नहीं होती, जब तक बना के ना देखें तब तक वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। पहली दो दफ़ा तो होता है मसला, तीसरी दफ़ा तक बंदा फ्लुएंट हो जाता है। आखिरी काम, जब आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है कि मेरे सवालों के जवाब ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक है तो इट्स फाइन, आपका काम हो गया, अगर नहीं है तो इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर लें। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि कितना आसान है ना कि एक दफ़ा पढ़ें याद हो जाए, ये कौन 5 स्टेप करे? ऐसा ही है, आया किसी के जहन में ये सवाल? अब मुझे ये बताएं, आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने पहले महीने में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा था या कोई टॉपिक पढ़ा था और 6 महीने बाद जब वो टॉपिक दोबारा आता है तो उसे फिर याद करना पड़ता? ये मसला है, ये मसला इस वे आउट को जब आप करेंगे तो फिर नहीं आएगा। कोई भी बात जब एक दफ़ा आपके दिमाग में बैठ जाए वो फिर आपके दिमाग से नहीं निकलती। आप में से ये लड़कों के जिस जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कभी
भूलेगा नहीं कि वो किस मोड़ पे टकराया था, और जब भी उस मोड़ से गुजरेगा उसको याद ज़रूर आएगा। होता है ऐसे ही होता है, लड़कियों को अपनी बहन की शादी, खाला की शादी, फूफो की लड़ाई नहीं भूलती। होता है ऐसे ही होता है। ये वो पहली सूरह है जो नाजिल हुई थी, ऐसे ही है। अच्छा, इसकी ये जो आयत है ये वाली, इसका मतलब बता सकता कोई? हाँ जी, जिसने कलम से इल्म सिखाया, मफहूम ये है। तो अगर हम सारी टेक्निक्स पढ़ लें लेकिन अपने दीन से रजू ना करें तो बात पूरी नहीं होती। तो कलम से इल्म सिखाने की बात ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो जो न्यूरो साइंस बताती है कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे पेन के साथ। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन बच्चों की लिखाई अच्छी नहीं होती वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सुना है? नहीं होते, ठीक है। जिसकी लिखाई जितनी साफ होती है उसका फ्लो ऑफ थाट्स उतना ज़्यादा अच्छा होता है, वो प्रेजेंटेशन में उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ये बात टीचर्स को भी बताओगी, जो लिखते साफ हैं वो रहते भी साफ हैं, जो लिखते गंदा है वो रहते भी गंदा है, ठीक है। हमारा दिमाग ऐसे ही है, उसने आपकी बातों को हर वक्त प्रोसेस करना है और जो आपकी हरकतें होंगी वही पेन पे आएंगी। हम साइकोलॉजी में ना एक चीज़ पढ़ते हैं, हमें किसी भी इंसान की कोई पर्सनैलिटी समझनी हो तो हम कहते हैं सिर्फ एक साइन करते हैं, हम आपके बारे में वो बातें भी बता देंगे जो आपको भी नहीं पता। वो कहाँ से आती हैं? वो आपके साइन से आती हैं, और उस सिग्नेचर में आपकी पर्सनैलिटी की इतनी बातें होती हैं कि जब वो आपको बताई जाती हैं तो आप शर्मा जाते हैं। अब इसको तरीक़ेकार ये है कि कोई भी काम, कोई भी बात जो आपको याद नहीं हो रही उसे पहले तो आप देख के लिखें, ठीक है। हम साइकोलॉजी में एक थेरेपी बताते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी ने कुछ कह दिया। सेंसिटिव बच्चे कितने हैं इधर जिनको सेंसिटिविटी का बहुत मसला है? हाँ, उनके लिए ये है कि जब भी आप किसी बात से परेशान हो उसको लिखना शुरू कर दें, एवरी सिंगल डिटेल। जब वो आपके पेज पे आ जाएगी तो आपके दिमाग से निकल जाएगी वो बात, ठीक है। उसे होगा क्या कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो सेंसिटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यही कलम, जब आपने कोई बात याद रखनी होती है, ये आपका सबसे बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करता है ये कलम, कि आप कोई भी बात याद करने के बाद उसे एक दफ़ा लिख लें। आप में से जो जो बच्चा लिखता होगा ना उसकी मेमोरी शार्प होगी एज़ कम्पेयर टू अदर, कि उसको बातें ज़्यादा याद रहती होंगी जो लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। इसलिए टीचर्स भी आपके कहते होंगे कि इसको बार बार, मैथ में जो बच्चे बहुत अच्छे हैं कौन कौन है आप में से, इनकी राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ये उतना ज़्यादा टाइम देते होंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ये आप में से किसकी तस्वीर है? ठीक है, अच्छा, चंकिंग बहुत आसान है। चंकिंग ये है कि कोई भी बात, कोई टॉपिक जो बहुत बड़ा हो और आपको याद ना हो रहा हो उसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें, ठीक है। आप सबकी इंटेलिजेंस डिफरेंट है, आईक्यू डिफरेंट है, किसी का दिमाग बहुत शार्प होगा, किसी का शार्प नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनको पढ़ने में मसला आता है। अगर आपसे पूरा इलामा इकबाल याद नहीं हो रहा तो पहले उनकी बचपन वाली पोर्शन याद कर लें, फिर कॉलेज वाला पोर्शन याद कर लें, फिर जवानी वाला पोर्शन याद कर लें, और शायरी जो है वो थोड़ी बहुत याद करें, क्योंकि बाले जबरील इतनी बड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा शार्प बच्चे भी हों वो उनको भी याद नहीं होती। बाले जबरील है क्या वैसे जी? और किसी किताब का नाम बता सकते हैं? जावेद नामा। और बाले जबरील ही पूछा था मैंने पहले। और अरमगान हिजाज कायदे आजम ने लिखी थी, वो भी इकबाल की है। आप में से किस किस को पढ़ाना अच्छा लगता है? अच्छा, देखिए टीचर्स में से किसी का हाथ ऊपर नहीं हुआ, इट्स टोटली नॉर्मल, कोई बात नहीं। उन्हें पता है कि वो पढ़ा रहे हैं, उनका काम है, उनको अच्छा लगे या ना लगे उन्होंने करना है, ठीक है। अच्छा, आप में से जिस जिस को पढ़ाना अच्छा लगता है और उसको याददाश्त का मसला आता है कि वो चीज़ें याद नहीं रहती, तो वो पढ़ाने की प्रैक्टिस करें। एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, उसे हम कहते हैं द लर्निंग पिरामिड। वो ये बताती है कि सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में बातें तब याद रहती हैं जब हम किसी दूसरे को बताते हैं। आपके टीचर्स जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, वो उन्हें दूसरे साल हार्डली कोई 2-4 मिनट रिवाइज करना पड़ता होगा,
क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाने की प्रैक्टिस की हुई है। तो आप में से जिसको सबक याद नहीं रहता और उसे अच्छा लगता है पढ़ाना, वो किसी दोस्त को पास बढ़ाए बिठाए और उसको पढ़ाए। अब अगर ऐसा दोस्त भी नहीं मिलता तो फिर खुद को पढ़ाए, जैसा इन्होंने किया था। फिनमैन, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पे ये टेक्निक है। और ये भी उतने ही जल्ले थे जितने वो पहले साहब थे, डोमिनिक ओब्रेन। स्कूल से मार, कॉलेज से मार, घर से मार, हर तरफ मार, लेकिन बाद में ये बंदा क्या बना? साइंटिस्ट। और इसने कहा कि कुछ भी याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आप दूसरों को पढ़ाएं। जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं ना, तो जो चीज़ें आपके दिमाग में फंसी भी होती हैं ना, वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, आप में से नलायक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जिनका पढ़ने का दिल ही नहीं करता, टीचर्स आपके पीछे नहीं देखेंगे, दिल खोल के हाथ उठाए कितने है? यार मेरी जो एवरेज है ना, कम से कम 50 की होती है। मतलब हर 100 क्लास जो होती है ना बच्चों की, उसमें 50 तो पक्के ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने का दिल नहीं करता। तो अभी तो हाथ 30-35 खड़े हुए थे, बाकी शर्मा क्यों रहे हैं? समझ में आता है। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ने का दिल नहीं करता। हमारी क्लास में ना एक बच्चा था, बच्चा तो नहीं था तब, वो हमारे जितना ही था तो क्लास फेल हुआ। वो कराची से था और हम थे कश्मीर में, उसका ननियाल कश्मीर में था। और उसने पढ़ाई ऐसे अपनी कंप्लीट की है कि वो 9th के पेपर उसने ऐसे दिए कि पूरा साल स्कूल में नहीं आया, एंड वाले 3 हफ्ते आया, एक बुक्स की दुकान से उसने किताबें ली, पढ़ी, वापस दे आया, बेच के आया, कहता मुझे नहीं चाहिए। और 9th और 10th में उसने यही काम किया। 653 मार्क्स थे उसके, मुझे अभी भी याद है, और उतने ही थे जितने एक एवरेज स्टूडेंट के होते हैं। हम हैरान थे कैसे कि यार एक बंदा एक साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, 3 हफ्ते में आता है, किताबें लेता है, पढ़ता है, वापस कर आता है, कैसे कर लेता है? तो उसकी जब उससे मैंने पूछा तो कहता है सिर्फ पास्ट पेपर, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, वो जो उसको डन श्योर होता था ना ए पेपर चाड़े ही आना है, वो बस वही करता था। और उसकी वजह से वो जो बच्चे थे जो साल साल मेहनत करते थे, थोड़ी मेहनत करते थे पर पूरा साल करते थे, उनको गुस्सा चढ़ता था कि यार ये जाती है हमारे साथ, इसके इतने नंबर नहीं आने चाहिए, इसकी 2-3 फेल होगी तो हमें सुकून आएगा। लेकिन वो अपनी टेक्निक में ठीक था, उसने वही किया, उसने पास पेपर उठाए, सर के पास, हर टीचर के पास जाता था, हाँ जी बता दें कि कौन कौन सा आ सकता है, मुझे दूसरे तीसरे का नहीं बताना आपने, जिसके चांसेस 50% प्लस हैं, सबको याद कर लेता था। तो प्रिंसिपल सिर्फ इतना है कि जो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको श्योर है कि आपको आएगा पेपर में, बस उसको याद कर ले। ये सबके लिए नहीं है, ये उन 8-10 बच्चों के लिए है जिन्होंने कसम खाई हुई है कि मैंने नहीं पढ़ना। ये आपकी क्लास का एक छोटा सा माइंड मैप है, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये बताएं, वर्ड्स जो लिखे हुए हैं आपको समझ आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ये सेल्स भी नहीं पढ़ना आ रहा आपको? ओके, मैं बोलता हूँ, एनिमल, प्लांट, ऊपर प्रोग्रेट्स, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मिड्स, न्यूक्लियस। अच्छा, स्ट्रक्चर। अब ये है क्या? आपने कभी दिमाग की कोई 3D इमेज देखी है? न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं इस तरफ और इस तरफ इस तरफ, उसी आइडिया को कॉपी किया गया। और एक साहब हैं, उन्होंने CSS किया हुआ है 45 दिन के अंदर, सिर्फ इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। वैसे बहुत लाइक थे पहले भी, लेकिन जो सब्जेक्टिव तैयारी है ना, उन्होंने सिर्फ 45 डेज़ के अंदर की थी। कोई पोजीशन तो नहीं आई उनकी, लेकिन ये है कि CSS पास करना, जहाँ 20,000 बच्चे पेपर दे रहे हों और उनमें से 300 बच्चे पास हो रहे हों, तो कुछ तो होगा उस टेस्ट में। तो ये टेक्निक उन्होंने फॉलो की थी, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। आप कोई भी एक पेपर लें और उसके ऊपर इसको ड्रा कर दें। ठीक है, अब इसे होगा क्या? ये सेल्स हैं, ये एनिमल की स्ट्रक्चर है और ये है प्लांट की। ये आपको कभी भी नहीं भूलेगी अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे।
प्लांट हमेशा आपको नजर आएगा एक रेक्टेंगल की शक्ल में, और एनिमल कहाँ नजर आएगा? और ऐसे ही एनिमल, प्लांट, ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सारी मेजर डिटेल्स लिख लेते हैं और ये आपके दिमाग में बहुत इजीली सेव हो जाता है। क्यों इजीली सेव हो जाता है मैं बताता हूँ। अब मैं कुछ वर्ड बोलूँगा, आपने उन वर्ड्स के मुताबिक अपने जहन में कोई ना कोई पिक्चर लेके आनी है। कायद आज़म, तस्वीर आई? yes. इलामा इकबाल, तस्वीर आई? रॉबिन्द्रनाथ टैगोर, एग्जैक्टली। आपने जो बंदा नहीं देखा उसकी शक्ल आपके दिमाग में नहीं आई। हमारा दिमाग हर इंफॉर्मेशन को इमेजेस की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है? आपको अपने हर दोस्त की शक्ल याद है, बाजू याद नहीं है, ठीक है? आपको कायद की शक्ल याद है, वेस्टकोट याद नहीं है। वो क्यों याद नहीं है? क्योंकि दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई होती है, वो तस्वीरें याद रखता है। और यहाँ बनी है एक तस्वीर। इसका दूसरा फ़ायदा, पूरा टॉपिक पढ़ने की बजाय अगर आप इसे एक दफ़ा बना लें तो आप हर दफ़ा इसी को रिवाइज़ करके पूरे टॉपिक को रिवाइज़ कर सकेंगे। मेन कंटेंट सारा आपने इसमें बना लिया। आप जाके गूगल कीजिएगा हाउ टू मेक माइंड मैप्स, आपका 2 घंटे का काम 45 मिनट में करवा देगा। और ये वन टाइम मेहनत है, आप जब एक दफ़ा इससे बना लेंगे पूरी ज़िंदगी दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। मैं जिस क्लास में पढ़ता था, बच्चे क्या करते थे कि आज एक टेस्ट हुआ है उसको आज याद किया है। ये रट्टे वालों के मसले हैं, आप में से 40-45% हाथ खड़े थे उस वक्त। आज एक टॉपिक था उसे आज याद किया, 6 महीने बाद दोबारा उसी टॉपिक का टेस्ट हुआ, दोबारा याद किया, फाइनल एग्ज़ाम से पहले दोबारा याद किया। तो वो 3 दफ़ा मेहनत करने के बजाय आप एक दफ़ा मेहनत करें, उसके बाद आपको सिर्फ 2 मिनट उसको देखना पड़ेगा किसी भी टेस्ट से पहले, वो आपके दिमाग में रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। स्पेस रेपिटिशन टेक्निक, आप में से किस किस को अपने वालिद साहब का नंबर याद है? ओके, किस किस को अपने जो आपको दूध दे के जाता है उसका नंबर याद है? जब भी आपने कुछ याद करना है तो रात को याद करना है, ठीक है, या शाम को। और स्कूल जाते हुए 15-20 मिनट पहले पहुंच के आपने उसे एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना। जैसे आप कोई भी नंबर याद रखने के लिए आपको उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है, ऐसे ही कोई भी टॉपिक याद रखने के लिए आपको उसे बार बार देखना पड़ेगा। हमारा दिमाग दिन में 70,000 चीज़ें देखता है लेकिन याद उन्हीं को रखता है जो बार बार रिपीट होती है। मैथ का कोई फार्मूला F=ma फिज़िक्स में या कोई भी इक्वेशन, वो जब आप एक दफ़ा देखेंगे वो आपको याद नहीं होगी, आपको उसे बार बार देना पड़ेगा। ये एक थ्योरी है जो ये कहती है कि एक दिन में एक दफ़ा, 24 घंटों में एक रेपिटिशन, और हर संडे को जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा ना उसको आधे घंटे में सिर्फ एक दफ़ा देख लें, तफसील से ना पढ़ें, बस एक दफ़ा देख लें, वो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। मैथ्स की कितनी स्टेट्स होती हैं? उर्दू में बताऊं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक चौथी भी होती है। ये कब पढ़ा था आपने लास्ट टाइम? नाइन्थ क्लास में। अच्छा, ये बताएं कि सेल पहली दफ़ा कब पढ़ा था? सिक्स में पढ़ा था, सिक्स में होता। आज तक क्यों याद है? क्योंकि बार बार पढ़ते आ रहे हैं। वैसे फोर्थ फिफ्थ का ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप भूल चुके होंगे, ऐसा ही है जी जी। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये तहजीब हाफिज़ साहब का सेशन नहीं हो रहा कि मैं थोड़ी शायरी सुनाऊँ और उसके बाद। लेकिन हाँ, अभी तो आप स्कूल में हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में जब आप आगे जाएंगे, मेरे ख्याल में आप जा चुके हैं, बाकियों ने जाना है, जितना ज़रूरी याद रखना होता है ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भूल जाना भी होता है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जो आपको बार बार तंग करेंगे, तो उनको भूलना भी ज़रूरी है। अच्छा, भूलना कैसे है अब बताता चलूँ, आपको मदद हो जाएगी थोड़ी सी। सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन कर लेंगे भूलना किसे है, कोई बंदा है, कोई चीज़ है, कोई एक्सपीरियंस है, एनीथिंग।
इट कैन बी एनीथिंग, नॉर्मल है, आते हैं आप जैसे बच्चे मेरे पास, निकल आते हैं मसले, कुछ नहीं है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भूलना ऐसे है कि अपने आप को पहली बात है मसरूफ़ कर लें, अच्छी चीज़ों में मसरूफ़ कर लें, और दूसरी बात यह है कि जिस रब ने आपको पिछले 16-17 साल पाला है ना, ये हो नहीं सकता कि उसके पास आपके लिए कोई अच्छा प्लान ना हो। वो जब भी आपसे कोई चीज़ छीन लेता है ना, तो उसके बाद कोई बहुत अच्छा अल्टरनेट भी देता है। हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी लोग हैं हम सारे, हमारी पहली तमन्ना होती है हमने फ़ौज में जाना, ISSB क्लियर की, सिर्फ एक उंगली का थोड़ा सा फ्रैक्चर और मैं नहीं जा सका। बहुत रोया उस वक्त कि यार नहीं हो सका। उसके बाद जब किताब आई, जब बाकी सारे मामलात हुए, तकरीबन इस वक्त 15,000 स्टूडेंट्स हैं 158 कंट्रीज़ में, जिनको मैं मेमोरी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं फ़ौज में चला जाता क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं शहीद हो जाता। लेकिन शाह साहब की एक बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं इस मुल्क के लिए ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानों की खिदमत करने के लिए। और शायद अभी मुझे फ़ील होता है कि तब ठीक हुआ था मेरे साथ, अगर मैं चला जाता तो ये सब कुछ ना होता। फ़ौज में आपको किताब लिखने की इजाज़त नहीं होती अनटिल अल्लाह इसके आप रिटायर हो जाए, तब तक हिम्मत नहीं होती। तो अल्लाह ने जो काम करवाना होता है ना किसी बंदे से, उसके रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शन आती हैं ना, कोई मसले आते हैं, या उनको अल्लाह को फ़ील होता है कि यार ये इस बंदे के लिए ठीक नहीं है और ये इसमें फंस गया, तो उससे निकाल लेते हैं, बहुत आपको वापस रास्ते पे ले आते हैं। अच्छा नहीं लगता हमें, 6 महीने साल बुरा लगता है, लेकिन हम रास्ते पे वापस आ जाते हैं।